अरे वाह, वाह भाई वाह भाई वाह भाई। आज का हमारा स्टे होने वाला है यहाँ पे, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल दूंगा। हम काफी थक गए हैं, हल्का सा फ्रेश होने में, फिर सारा का सारा उधर जो है वो म्यूजिक भी चल रहा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। इनके पास ना जी सारे के सारे मतलब 10 टेंट हैं मेरे ख्याल से, मुझे गिनती में 10 आ रहे हैं, हो सकता है 11, 12, 13, 14 भी हो, और सारे के सारे लग्जरी हैं। थोड़ा सा भी उजाला होता ना तो यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यू आपको दिखाई देता। और सामने कलाकार लोग बैठे हुए हमारे जाने की वेट कर रहे हैं, हमारे पहुंचने की वेट कर, हमारे पहुंचते वो बजाना शुरू कर देंगे। ये शुरू हो गया जी प्रोग्राम, बढ़िया। कौन सा पेड़ है पता नहीं कौन सा है, पेड़ के नीचे एकदम खुले आसमान में, और मजे की बात यह है कि केवल हम ही हम हैं, चार गेस्ट हैं, मैं और कमल भाई, बस चार ही कुर्सियां लगी हुई है हम चारों के लिए। बहुत बढ़िया इन्होंने प्रोग्राम कर दिया शुरू। कमल भाई कैसा लगा? झटकेदार झटकेदार चिखे निकल गई है, जोरदार। और बोलो। अरे नहीं यार, ऐसे जोरदार। और बोलो, क्या बोलना है? बोलना अभी वापसी में भी पीछे बैठोगे? नहीं, पर ऑप्शन नहीं, बैठना तो पड़ेगा। इनकी चिखे निकल गई कमल भाई की। डम 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 डम। मेरे को वो एक्सट्रीम ड्यून्स देखने हैं। एक्सट्रीम, फिर से बोलो दोबारा से। एक्सट्रीम ड्यून्स देखने मुझे। तो ये एक्सट्रीम नहीं है? नहीं, इस पे ये बहुत सारे जीपें वीपें ये वो सब। मतलब कैसा चाहिए आपको ये बताओ मुझे। मतलब हवा चलती नहीं, कंगी जैसे नहीं आ जाते हैं ड्यून्स पे? रेती कंगी जैसी हो जाती है। ऐसा चाहिए? हाँ ऐसा चाहिए। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, बस फील करूंगा। फील करोगे? तो मेरे सामने हाथ जोड़ के ना 5 बार उठक बैठक लगाओ, एक बार तब दिखाऊंगा। नहीं करना। चलो उठक बैठक मत लगाओ, हाथ जोड़ लो बस। प्लीज मुझे ड्यून दिखा दो। प्लीज मुझे ड्यून दिखा दो, असली वाले। असली वाले ठीक है। सुबह के बजे 7 और हम आ गए हैं यहाँ पे सैंड ड्यून पे, और हमें लग रहा था हम ही हम होंगे सुबह सुबह उठने वाले सूरवीर महारथी। देखा कि भाई यहाँ तो महार से भी बड़े बड़े लोग हैं, इतनी सारी जीपे खड़ी है, कैमल खड़े हैं, चाय भी बन रही है। कमल भाई चाय पीनी है फिर से? चाय मिल रही है सर, मैगी मिल रही है।
मैगी खानी है? नहीं, चाय 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 दो चाय। हाँ, हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 27 अक्टूबर 2023 और अभी हम हैं सम में। पिछली वीडियो में आपने देख लिया था, हम गए थे जैसलमेर से तनोट, तनोट से आ गए थे सम। सम पहुंचने में रात हो गई थी तो हमारी वो इवनिंग वाली जो सफारी वगैरह, जीप सफारी जो होती है, वो नहीं हो पाई थी। तो आज हमने अर्ली मॉर्निंग उठने से पहले पहले ही, मैं तो अभी उठा भी नहीं हूँ और ये सारे के सारे लोग उठ के और यहाँ पे आ गए हैं मस्त एकदम। तो इन्होंने सनराइज देख लिया, मुँह से सनसेट ही निकलता है और मैंने भी पता नहीं कितने साल बाद आज सनराइज देखा है। तो आज मुझे भरोसा हो गया है कि सनराइज होता है। पहले मैं सोचता था सनराइज नहीं होता, सीधे सूरज निकलता आसमान में और सनसेट हो जाता है, लेकिन आज मैंने देखा कि महीने में कभी कभार जो है सनराइज होता है जरूर। तो अभी क्या है, कमल भाई, हमारा कमल किधर है? हमारा कमल जो है ना, इन्होंने खाट पकड़ लिया, ये देखो खाट पकड़ लिया हमारे कमल ने। और कमल कह रहा है कि मैं यहाँ आके डिसअपॉइंट हुआ हूँ। कमल बोलो हाँ, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। इसकी ना आई एम हैप्पी। अच्छा, यू हैप्पी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सनराइज हो गया है और सनराइज देख के और एक एक कप चाय पी के यहाँ से वापस निकलते। वो एक्टिविटी सी करनी है क्या, कैमल राइड? कमल कैमल राइड नहीं करता। और क्या, कमल को नहीं बिठाता। और यार मैं एक आध चीज़ और बोलने वाला था, भूल गया हूँ। अभी मेरी ढंग में आंख नहीं खुली है, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे उठा के ले आए हैं। आज की हमारी हरकतें रहेंगी, आज हम पहले वहाँ जाएंगे, फिर उधर जाएंगे और फिर नाइट स्टे करेंगे खुड़ी में भी किसी कैंप में करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। सनराइज हो गया जी, बहुत बढ़िया वाला। और नीचे मुर्गी उर्गी सी भी घूम रही है और सामने कुछ टूरिस्ट भी घूम रहे हैं। और सनराइज देखने के लिए ना यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए। ये देखो जी कितने सारे लोग आए हैं, ये देखो भाई खाट पे बैठ के भी देख रहे हैं। किलोमीटर 3-4 कम से कम 1000 रुपए जी, दो आदमी आपको बैठे। ये कॉकरोच को लुल्लू बोल रहे हैं, क्या सिस्टम है? कॉकरोच नहीं है, ये लुल्लू ही है। कमल भाई ने कहा है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ इस जगह की तारीफ करनी है बहुत जोर जोर से। तो अब मैं करता हूँ तारीफ यहाँ की। देखो जी, हम सोच रहे थे कि हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे सुबह सुबह आ जाएंगे सनराइज से पहले पहले, तो हम यहाँ आके बोर हो जाएंगे। लेकिन बोर नहीं हो रहे बिल्कुल भी, चारों तरफ भीड़ है, फुल एकदम एंजॉयमेंट हो रहा है। ऊँट ऊँट वगैरह एकदम तैयार खड़े है, वो क्वाड वाले एकदम तैयार खड़े। एक क्वाड तो यही, ये भाई भी कह रहा 1000 रुपए में करवा दूंगा जी। वैसे तो हम 1500 लेते हैं, वैसे हम 2000 लेते हैं, लेकिन आपको 1000 में करवा दूंगा। तो क्वाड भी हमने देख ली, ऊँट भी हमने देख लिए, मतलब बढ़िया एकदम। यहाँ पे अगर आधी रात को भी आवे ना तो भी, मतलब यहाँ पे चहल पहल एकदम जी सा लगेगा। देखो आते हमें चाय मिल गई, आते में वो मिल गया, मैगी मिल गई, थोड़ी बहुत देर और वेट करेंगे पकौड़े भी मिल जाए, समोसे भी मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे सबको आना चाहिए। जो भी कोई बंदा सम आ रहा है जैसलमेर आ रहा है, जो भी कोई बंदा जैसलमेर आ रहा है वो सम जरूर आओ, और जो भी कोई सम आ रहा है वो यहाँ पे जरूर आओ। यहाँ मतलब मन लगता है, बहुत बढ़िया। जगह का नाम भी पूछ लो, इस जगह का नाम पता नहीं, सैंड ड्यून इस जगह का नाम। और यहाँ पे ना इन्होंने एक तारबंदी सी करके उसको भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम दे रखा है। हाँ, जो कि बॉर्डर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है ना, वो लोग यहीं पे दिखा देते हैं कि जी क्या करोगे 100 किलोमीटर दूर जाके, यहीं पे देख लो। अब देखो कमल भाई जो है ना रेत में फंसेगा, इसको निकालने के लिए जेसीबी मंगानी पड़ेगी। हाँ, अभी जब हम यहाँ पे आए तो ये जीप, ये अपने वो क्वाड वाले कहने लगे जी को हमारे जो ये कर लो और हम आपको वहाँ पे लेक पे ले जाएंगे और एक दो चीजें और बताई इन्होंने। अब मेरे एकदम कान खड़े हो गए, मैं कह रहा यार यहाँ लेक कहाँ से आ गई। बाद में पता चला वो ऊँटों को पानी पिलाने का एक छोटा सा पोखर सा आएगा, उसको बोलते हैं लेक। कई लोग वहाँ पे ले जाते हैं, कई लोग नहीं ले जाते। अगर कोई ले गए तो भी आपको डिसअपॉइंट होना है, और अगर नहीं ले गए तो भी डिसअपॉइंट होना है। वो भाई अभी वो क्वाड वाले से, वो बाइक वाले से लड़ रहा था कि यार तू तो कह रहा था लेक पे और यहाँ लेक वेक कहाँ से है। एक कहानी थी जी यहाँ पे, उस वाली फिल्म की, किसी भी फिल्म का नाम ले देंगे, उस वाली फिल्म की ना शूटिंग हुई थी और उस शूटिंग लोकेशन पर ले जाएंगे।
और पता नहीं, मुझे नहीं पता शूटिंग, मैं फिल्म देखता नहीं हूँ, इस बात से भी सावधान रहना, इस चक्कर में बताना। वैसे चले जाओ, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, लेकिन ये कहानी वहानी सुन के किसी पे भरोसा मत करना बिल्कुल भी। कुछ लोग आपको ले जाएंगे बॉर्डर पे, बॉर्डर यहाँ से 100 किलोमीटर है, कह देंगे जी मैं आपको बॉर्डर घुमा के लाऊंगा, और छोटी सी एक तारबंदी लगा रखी है फॉरेस्ट वालों ने, वो उस तारबंदी को दिखा देंगे कि भाई देखो जी यही है बॉर्डर, उस तरफ चले जाओगे तो पाकिस्तान मिल जाएगा। ये इस तरह की इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, किससे कहानियाँ बना रखी हैं। यहाँ कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं है, बहुत दूर जाके बॉर्डर है, तो किसी के भी चक्कर, मतलब ऐसे एंजॉय कर लो, खूब एंजॉय कर लो बढ़िया, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ना तो यहाँ कोई बॉर्डर है, ना यहाँ कोई लेक है, ना यहाँ कोई उसकी फिल्म, उस वाली जिस फिल्म की ये बताएंगे उस फिल्म की तो कति शूटिंग नहीं, भले किसी भी फिल्म की हुई हो, ठीक है। और एक दो किस्से और हैं, मैं अभी भूल गया, मेरे इधर उधर बैठे हुए हैं, अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो कोई ना कोई आगे कुटाई भी कर सकता है मेरी, ठीक है भाई। बाकी बहुत बढ़िया एंजॉय करने की जगह है, मन लगा रहता है, किसी भी टाइम आ जाओ, किसी भी टाइम चले जाओ, बहुत बढ़िया मन लगता है। और आप जम के बार्गेनिंग करो, जैसे ये बंदा कह रहा था 2000 रुपये लूँगा जी, तो वो एकदम 1000 रुपये आ गया था, और अगर हमारा करने का मूड होता तो 300-400 रुपये में भी वो तैयार हो जाता है एकदम करने को। इस तरह से यहाँ पे खूब चलता है, बाकी तो बढ़िया एकदम एंजॉयबल जगह है, मस्ट, मतलब मस्त जगह है, आना चाहिए आप सभी को यहाँ पे। सर चलें? चलो सर। नीरज कहता है नींद में से उठने के एक घंटे तक शक्ल सूर्य जैसी नजर आती है। हाँ क्या कह रहे हो? नीरज हमेशा कहता है कि सुबह सुबह उठते ही आदमी को एकदम तरोताजा फ्रेश नहीं लगना चाहिए। हाँ। कम से कम एक घंटे तक उसकी शक्ल सूअर जैसी बनी रहनी, सूअर जैसी रहनी चाहिए। अब जो तुम्हारी शक्ल थोड़ी इंसान में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे करके। हाँ, ना अभी एक घंटे तक तुम्हारी सूअर जैसी थी। धीरे धीरे करके यार चेहरे पर रौनक सी तो आने लगी, मतलब इंसान सा हो रहा, मतलब बिना धोए अपने आप ही रौनक सी आ गई। इंसान तो वही लग रहा है, अब मैं इंसान में कन्वर्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे वो आईटी करते हो ना? आईटी है। अभी जी हमारे कैंप के पास ही आधे किलोमीटर दूर ही ये वाले ड्यून मिल गए, ये भाई हमें ले आए कि जी अभी तो आपने भीड़ वाले ड्यून देखे हैं, अब देखो आप छीड़ वाले ड्यून, यहाँ पे कोई भी नहीं है बिल्कुल। वो जो है ना विंड विंड से जो वो जो लहर सी बनती है ना रेत में, वो लहर भी एकदम बनी हुई है। वहां तो भीड़ सी हो रही थी बहुत ज्यादा, वहां पे कोई लहर वहर कुछ भी नहीं बन रही थी। और ओ कमल भाई का तो बड़ा कहाँ गया वो बैठा, कमल भाई का बड़ा मन लग गया, पर कहने लगा भाई ऐसे ही ड्यून होना चाहिए। तो ये हमारे कैंप के पास ही है, कैंप वाले बता रहे हैं कि जी ये लोग ना कैंप वाले शाम को सभी सवारियों को अपने गेस्टों को सबको ऊँट पे बैठा के यहाँ पे लेके आते हैं ड्यून पे, और यहीं पे बैठा के उनको चाय पकौड़े खिलाते हैं। तो कल हम लेट हो गए थे इसलिए हमने वो वाला एंजॉय नहीं किया बिल्कुल भी। चलो खैर कोई बात नहीं, हम आगे हैं बिल्कुल अपने एक तरह से प्राइवेट ड्यून पे, इस पर कोई रश नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिसलो ऐसे, हाँ ऐसे, आप भी आ जाओ पीछे पीछे। हाँ 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 आ जाओ, एक बार ना वो लुढ़क जाओ एक बार, कमल भाई लुढ़क जाओ एक बार। अरे कुछ ना कुछ नहीं हो गया, आ जाओ आप भी ऐसे ही आ जाओ, लुढ़क से लुढ़क के आओ गोल मटोल होके। हाँ मोबाइल छोड़ दो वहीं, ऐसे क्या तरीका, ऐसे क्या हुआ, ये कोई तरीका है, लुढ़क के आओ सीधे मारो कमल भाई में टक्कर। शाम को यही आते हैं आईटी से। क्या आप शाम को वो लेके आते हैं यहाँ पे ऊँट? हाँ। और पकोड़े, चाय पकोड़े, बिस्कुट, नमकीन। कितना दूर है कैंप यहाँ से? 2.5-3 किलोमीटर। 2.5-3 किलोमीटर ऊँट पे आते हैं सारे आपके जितने भी गेस्ट होते हैं? हाँ, चेयर लगाते हैं, टेबल, अच्छा चाय कॉफी बिस्कुट, और यहाँ बैठ कर आराम से सनसेट देखो, सनसेट देखते हैं। अरे वाह हमने मिस कर दिया सहारा जादम रिसोर्ट, इसी में जो है हम रुके हुए हैं, कल हम यहीं पे आ गए थे।
और अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। सफारी हो गई हमारी, जिप्सी सफारी, सुबह सुबह बहुत बढ़िया एकदम। ये इनके पास 10 कैंप है, सारे के सारे लग्जरी फुल्ली एसी एकदम, और इनके ना चारों तरफ वो भी है पवन चक्कियां भी। मैं और कमल भाई रात को गए थे, आधी रात को पवन चक्की के नीचे पहुंच गए 12:30 बजे, यादें बना के, और वहां पे बड़ी भयंकर भयंकर आवाजें आ रही थी। पवन चक्की के जब नीचे पहुंच जाते हैं ना तो बड़ी भयंकर भयंकर आवाजें आती हैं। हमने दो पवन चक्कियों के नाम भी रखे रात को। क्या क्या नाम रख दिए? एक का तो रखा राखी पवन चक्की, अच्छा, एक का रखा दीप्ति पवन चक्की। हाँ, दोनों घूमती रहे, हवा करती रहे, घूमती रहे, हवा करती रहे। चलो सही है। नेगी भाई कितनी देर लगेगी ब्रेकफास्ट में? रेडी है? ये हमारा नेगी भाई है फ्रॉम द चमोली उत्तराखंड। ये अपना कैंप हो गया, कैंप के बाहर जो है ना बैठने के लिए लोट मारने के लिए ये दे रखे है। ये हो गया कैंप अंदर से, एसी कैंप फुल्ली, ये रहा एसी, फुल्ली एसी कैंप है। और इन्होंने ना वो भी दे रखा है, ये क्या बोलते हैं इसको, पंखा। किसी को गर्मी लग रही हो पंखा चला लो, और किसी को ठंड लग रही हो तो हीटर चला लो, हीटर भी दे रखा है। सर्दियों में यहाँ पे ना रात में टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है, -2 -4 ऐसे हो जाता है। रेत में ना टेम्परेचर बहुत जल्दी अप भी जाता है, बहुत जल्दी डाउन भी जाता है। और ये एक छोटा सा फ्रिज दे रखा है, फ्रिज के अंदर क्या है, अब हमारा फ्रिज होगा तो यही होंगे ना कोल्ड ड्रिंक और ये रियल जूस यही होंगे, और अगर किसी दारू वालों का फ्रिज होगा तो वो दारू वाले ला के अपनी दारू भी रख सकते हैं इसमें। और कॉम्प्लीमेंट्री बिस्कुट और लेज वगैरह इन्होंने दे रखे है, चाय बनाने का सामान दे रखा है। ये हो गया टॉयलेट, उसमें गीजर वगैरह भी है, नहाने का जुगाड़ भी है, और ये सब एकदम साफ सुथरा एकदम। और वो मैं हूँ। शक्ल तो यार ऐसी हो रही है अभी बिल्कुल भूत भर की। और एक ये इस कोने में दे रखा है ओपन ओपन वो वाशर, वाशर भी बोलते हैं, शोवर, शोवर बोलते हैं, मैं मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। और एक चीज़ और है इसके पीछे जो है ना छोटा सा अपना प्राइवेट सिट आउट, सिट आउट ही बोल लेंगे ना बैठने को, यहाँ पर कुर्सी गेर के बैठ जाओ, किसी कोई बालक उलक हो तो फिर इसमें पानी भर दो, बच्चों का स्विमिंग पूल हो गया छोटा सा एकदम, यहाँ बैठ जाओ आराम से कुर्सी गेर के खुले में, और सामने वो पवन चक्कियाँ वगैरह देखते रहो ऐसे 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 ऐसे। ब्रेकफास्ट में बने हैं आलू के पराठे, आलू की सब्जी और पूरी, और ये फल फ्रूट हम खा गए। अंगूठा उठा भाई, अच्छे बने हैं ना? सही सही बता, बहुत बढ़िया बने हैं। चलो जी दोपहर के बज गए 12, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया और मैं नहा भी लिया हूँ। नहाने के बाद ना इंसान की शक्ल कुछ और ही हो जाती है, इसलिए इंसान को हमेशा नहाना चाहिए। जब भी आपको अपनी सुअर जैसी शक्ल दिखाई दे उसी टाइम जाके नहा लो, इंसान बन जाओगे, ऐसा मुझे कमल भाई ने बताया था, मैं नहा लिया। तो अभी क्या है, यहाँ से हम कर रहे हैं चेकआउट कर रहे हैं जी। गर्मी हो गई भयंकर वाली, लेकिन अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर में तो भयंकर वाली गर्मी होती है, नवंबर में फिर धीरे धीरे करके गर्मी कम होने लगेगी, दिसंबर में और जनवरी में और कम हो जाएगी, फरवरी से फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ का सर्कुलेशन, वो क्या बोलते हैं, वेदर, मौसम जो इसी तरह से चलता रहता है। सहारा जादम रिसोर्ट, और ये हैं सर उदय जी, यहाँ के जो है ओनर है सर। आपने जो ना मतलब हमने बहुत खूब ज़्यादा एंजॉय कर लिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास जो है ना जी ये अपना 3 जिप्सी भी हैं सफारी वगैरह कराने के लिए, तो यहाँ पे आने वालों को ये सफारी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, चार्जेबल होती है, अलग से होती है। अच्छा, अलग से होती है, कैमल राइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, अगर आप भाई यहाँ पे स्टे करोगे तो कैमल राइडिंग जो है कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और जो सफारी का चार्ज मतलब सफारी अलग से होती है। चलो ठीक है सर, थैंक यू जी, अभी चलते, धूप में खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है नेगी भाई, ओके भाई, फिर मिलेंगे। ठीक है सर, ओके जी, ठीक है भाई, ओके। अच्छा तू तो हमारे साथ ही चलेगा। मैं सबको बाय बाय कर रहा हूँ। ये हमारे लिम्बा राम जी, हमारे जो है सार थे, इन्होंने मजे उठा रखे हैं पूरे।